हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी को गुंडों की पार्टी कहा है। विज ने आप पर यह हमला दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ हुई मारपीट के बाद बोला है, जिसके बाद सियासी हलकों में बहस तेज हो गई है। अम्बाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अनिल विज ने विरोधियों के साथ साथ कई अपनों पर भी निशाना साधा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी को तीखे बयानों का इंजेक्शन देने का काम किया है। दिल्ली में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ आपके दो विधायकों और कार्यकर्ताओं द्वारा की गई कथित मारपीट के आरोपों पर विज ने आम आदमी पार्टी को गुंडों की पार्टी की संज्ञा दी है। अम्बाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनिल विज ने कहा कि आम आदमी पार्टी गुंडों की पार्टी है, जो भी सीएम के घर जाता है उसकी पिटाई जरूर होती है। पहले इन्होंने भाजपा के लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया था, तब भी इन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की की थी और अब इन्होंने मुख्य सचिव के साथ मारपीट की है। विज ने कहा कि यह बहुत ही गलत पार्टी है, दिल्ली में शासन पर काबिज हो गई है, जिनका हटना अब जरूरी हो गया है। जो भी सीएम के रेजिडेंस में जाता है उसकी पिटाई जरूर होती है। पहले भाजपा वालों को मीटिंग के लिए बुलाया था, तब भी इन्होंने धक्का मुक्की की उनके साथ, अब चीफ सेक्रेटरी के साथ की, और ये बहुत गलत एक पार्टी दिल्ली में शासन पर काबिज है, जिसका हटाना बहुत जरूरी है। अक्सर विरोधियों को अपने टारगेट पर रखने वाले हरियाणा के सेहत मंत्री अनिल विज ने कुछ अपनों पर भी निशाना साधा। विज ने पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को मोदी और सरकार विरोधी बयानों पर घेरते हुए कहा कि यशवंत सिन्हा उन लोगों के नाम बताएं जिन्हें वो सरकार द्वारा खिलाने की बात कर रहे हैं, उनके नाम वो जरूर सामने रखें। यशवंत सिन्हा जैसे स्टेटस के व्यक्ति को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। यदि वह आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें साबित भी करें। विज ने कहा कि सरकार क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ला रही है, जिसमें मनमाने रेटों पर लगाम लगेगी। मानेसर लैंड पर आई सीबीआई की रिपोर्ट पर भी विज ने बयान दिया। विज ने कहा कि अशोक खेमका के बयान का वह समर्थन करते हैं और खेमका की इस मामले में डीप स्टडी है। इस मामले में रबड़ी खाने वाले लोगों पर नकेल कसी जानी चाहिए। वहीं विज ने छात्र संघ चुनावों पर भी बोलते हुए कहा कि ये मामला अभी उनके सामने आया नहीं है, जब आएगा तब देखा जाएगा। अब देखिए, ये यशवंत सिन्हा बताए किसको खाने दिया, इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाना एक इस प्रकार के स्टेचर के आदमी को शोभा नहीं देता है। अगर वो कोई आरोप लगा रहे हैं तो वो बताए भी कि इसको खाने दिया। अब ये सारा हमने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू कर दिया है तो इन पर नकेल डालेंगे सारा। नहीं, खेमका जी को क्योंकि सारे केस की जानकारी है और इन डेप्थ उनकी स्टडी है इसके बारे में, इसलिए वो बात कर रहे हैं। और हमारी निश्चित जो राय है कि जितने भी इन्वॉल्व लोग थे या जिन्होंने इसमें से बंदरबांट की है या जिन्होंने रबड़ी खाई है, उन सारों को तो नकेल डालनी ही चाहिए। अभी ये मैंने भी अखबार में पढ़ा है, अभी हमारी किसी मीटिंग में ये हमारे सामने मामला नहीं आया है, जब आएगा तब पता करेंगे क्या परिस्थितियां थी।